हाय गाइस, सबसे ज्यादा की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल आप सामने गाड़ी देख रहे हो मारुति सुजुकी की तरफ से अल्टो K10। पूरे फीचर्स दिखाएंगे इसमें, इस वीडियो में क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं, स्पेसिफिकेशन फुल डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा इसमें। वैसे आप जो इसका मॉडल देख रहे हो सामने, वो है इसका VXi+। आपको इसमें ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, लेकिन मैं आपको इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन दिखाने वाला हूँ। आप मारुति की गाड़ी में ज़्यादातर ये देखते हो कि ZXi या ZXi+ उसका मैक्स टॉप वेरियंट होता है, लेकिन इसमें आपको मैक्स टॉप वेरियंट पता है क्या मिलता है? VXi+, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये इसका एकदम टॉप वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट। और इसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग आपको मिलती है गुड़गांव हरियाणा में 5,33,000, और जो ऑन रोड जाती है एकदम मैक्स सब कुछ मिला के वह है 5,86,000। पावर की बात आए तो 1000 cc का इसमें इंजन मिलता है 3 सिलेंडर के साथ, जो कि निकालता है 55 bhp विद 82 Nm टॉर्क। अब फिलहाल वो कराउंड कर देते हैं। लो बी माई भी अलग से सेटअप मिल जाता है हेलोजन के साथ। यहाँ पे इंडिकेटर फोग लैंप्स आपको देखने नहीं मिलते, ग्रिल मिल जाती है सिंगल, एंड सुजुकी का लोगो वैसे अपना सिंपली देखने को मिल जाता है। लेंथ जो गाड़ी की मिलती है वो 3530 mm, विड्थ 1490 एंड व्हील बेस है वो 2380। चाहे टॉप वारंटी क्यों ना, फेंडर पे इंडिकेटर देखने मिल जाता है, स्पेयर व्हील मिलते हैं व्हील कवर के साथ जिसका साइज है 155/65 R13। मैट में ORVM मिल जाता है, ये आपको बॉडी के लाइट मिलता है, सेंटर लोकिंग वैसे गाड़ी में मिल जाती है। अब जो इसका ये वाला पार्ट है ना, आपको ये ब्लैक मिलता है, बाकी A पिलर, B पिलर एंड जो C पिलर है वो सिंपली बॉडी कलर ही मिल जाते हैं। अब फिलहाल बारी आती है तो वो पीछे की अल्टो K10 की स्टिकरिंग मिल जाती है। अब ऊपर की बारी आती है तो देखो, वहाँ पे आपको लंबा सा एंटीना मिल जाता है, खूब लंबा मिलता है, स्पॉइलर गाड़ी में नहीं मिलता, हाई स्टॉप लैम्प मिल जाता है। एंड मैं ऐसे बजा रहा हूँ ना इसको तो भी एकदम अलग सी आवाज़ आ रही है, हाई स्टॉप लैम्प इसमें मिल जाता है लोगो, एंड यहाँ से अपनी बूट ओपन कर सकते हो। इंडिकेटर रिवर्स एंड ये ऑलवेज ऑन एंड ब्रेक पे ये सिंगल लाइट मिल जाती है जो काम करती है। दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एग्जॉस्ट राइट साइड में देखने को मिल जाता है, पहले आपको इसमें पार्किंग सेंसर एयरबैग की नाम चीज़ नहीं मिलती थी। फिलहाल लेफ्ट साइड में इसका फ्यूल टैंक मिलता है जिसकी कैपेसिटी 27 लीटर्स। पहले आपको इसमें ना एयरबैग मिलता था ना सेंसर मिलते थे, अब तो ये मैंडेटरी कर दिया कि दो एयर बैग होने चाहिए, सेंसर भी होनी चाहिए। फिलहाल अंदर की बारी आती है, यहाँ से अपने डोर पकड़े बंद कर लो, मैगजीन होल्डर बोतल होल्डर ये सिल्वर टोन में देखने को मिल जाता है, बाकी यहाँ से सीट रिक्लाइन कर लो एंड यहाँ से अपना आगे पीछे कर सकते हो, एडजस्ट करनी है तो वो कर लो। अब फिलहाल इंटीरियर में बैठते हैं। अगर CNG का मॉडल लोगे तो आपको यहाँ पे स्विच मिलेगा, बाकी नीचे हेडलाइट्स के कंट्रोल, यहाँ पे AC चारों तरफ भी सिल्वर टोन दे रखी है। नोब से ORVM एडजस्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं आता। बाकी स्टेयरिंग में देखो सिल्वर टोन फुल भर रखी है गाड़ी में, ऐसी कोई कमी छोड़ी नहीं है सिल्वर टोन की। स्टीरियो कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल तो गाड़ी में देखने को मिलता है ही नहीं। अब MID की बारी आती है, स्पीड आपको डिजिटल देखने को मिलती है, मतलब डिजिटल एंड एनालॉग ऐसा कुछ बना रखा है कंपनी ने, ऐसा कुछ जज नहीं कर सकते इसको, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। टच स्क्रीन इसमें मिल जाती है जो कि कंपनी पहले से बहुत गाड़ियों में देती हुई आ रही है। ये ड्राइवर साइड का विंडो कंट्रोल हो जाता है एंड ये पैसेंजर का, बाकी बीच में हैजार्ड लाइट मिल जाती है। AC मैनुअली मिलता है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है एंड राइट साइड में USB मिल जाती है, एक सिंगल ऑक्स नहीं आती इसमें। यहाँ पे थोड़ी स्पेस देखते हैं, दो कप होल्डर, ब्लैक पूरा गियर देखने को मिलता है, बाकी 5 स्पीड ही आती है वो तो आपको पता है। हैंड ब्रेक भी ऐसा सिंपल सा है, उसके नीचे भी थोड़ी स्पेस दे रखी है, बाकी सीट आपको फैब्रिक में मिल जाती है एंड पीछे भी थोड़ी स्पेस दे रही है, कोइन वोइन रख सकते हैं वो रख लो, पीछे सॉकेट या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। दो एयरबैग मिलते हैं, ग्लव बॉक्स छोटा सा ही मिलता है ऐसा, एंड देखो हल्का सा ही है, बिल्कुल हल्का सा ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो भी ऐसा हिलता है। अब सनवाइजर की बारी आती है तो टिकट होल्डर देखने को नहीं मिलता, मिरर तो दूर की बात है, बीच में आपको ऑटो डिमिंग तो छोड़ो वो नो भी नहीं मिलती, लाइट मिल जाती है पूरी पीली। चंदर साइड भी कुछ देखने को मिलता, ग्रैब हैंडल वही मिल जाते हैं नट से कसे हुए, कोई स्प्रिंग वाला आ जाता तो वो भी अच्छा रहता भाई, VXi में कम से कम ये तो दो। गियर के साइड में थोड़ी बहुत लेदर की फिनिश मिल जाती है, क्लोथिंग कर रही है वहाँ पे ताकि ऐसा गियर बुरा ना लगे, और थोड़ा लंबा सा भी दे रखा है। अभी फिलहाल पीछे की बारी आती है, पीछे कम्फर्ट देखते हैं। मैंने सीट आगे के अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया, अब मैं पूरा बैठ के बता दूँ, ये अब वही है, बस यहाँ से ऐसा हाथ से मैनुअली कर सकते हो, बाकी 4 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है इसमें, बाकी तो सब कुछ सेम ही है और क्या ही बताना। अब स्पेस देखो, अब मेन स्पेस की बात है, देखो मैं फुल बैठ गया हूँ, आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया, इतना स्पेस बच रहा है बस, नीचे लेग रूम फिर भी ठीक है, थाई स्पोर्ट इतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन हाँ फिर भी स्पेस ऐसा, और इतनी छोटी गाड़ी में और क्या ही मांगोगे आप, लेकिन हाँ फिर भी सही है। CNG भी मिल जाती है आपको इस गाड़ी में, हेडरेस्ट स्टक्ड मिलते हैं, पीछे भी दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं वो भी स्टक्ड है, बाकी कंफर्ट गाड़ी में ऐसे देखा जाए तो अच्छा देखने को मिलता है, ग्रैब हैंडल वही है सिंपल सा, बाकी गाड़ी में ऐसा कुछ खास तो है नहीं, आप इतनी छोटी गाड़ी में और क्या ही करोगे। इसका मेन कॉम्पिटिटर पता है कौन है? मारुति जो SUV है ना, टॉल बॉय जो भी लगा लो, SUV है एक तरीके से, वो है इसकी कॉम्पिटिटर। बाकी बूट आप यहाँ से नहीं खोल सकते, आप चाबी से खोल सकते हो, या यहाँ पे आपको नॉब मिलता है फ्यूल लिड का एंड बूट का, यहाँ से खोल सकते हो, सिर्फ ड्राइवर को परेशान करना पड़ेगा अगर बूट खोलनी है तो। अभी ऐसा कुछ है,
बाकी इसमें पार्सल ट्रे मिल जाती है यहाँ पे। एंड पार्सल ट्रे जैसे आप नीचे साइड करोगे ना, देखो आपको लॉकिंग का सिस्टम मिलता है, आवाज सुनना। बूट में 214 लीटर का स्पेस मिल जाता है, इसके नीचे स्टेप नहीं है जो कि एक साइज कम मिलती है वो तो पता ही है। ये देख लो कितनी हल्की सी क्वालिटी का क्लोथ यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ऐसे शेप भी उसकी अच्छी सी आ रही है। इसी के साथ पूरी गाड़ी कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बता देना। अल्टो K10 की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।